उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम, जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था वंदे मातरम, एक ही सपना था
भारत की आजादी का 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है, अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को
मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत के हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने